नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था, महिलाओं के लिए एक विशेष पद जो मुख्य सेविका का पद था, यूपी ट्रिपलसी के द्वारा पीईटी 2021 के द्वारा कराया जाना है और उसका अंतिम तिथि जो है करेक्शन की अंतिम तिथि आज 31 अगस्त थी। आज के डेट ही मैंने आपको बताया था कि जब आप फॉर्म भर लेंगे तभी आपका वो सिलेबस जारी करेंगे। पता नहीं अधीनस्थ का ऐसा क्या रहता है, हालांकि उन्होंने सिलेबस जारी कर दिया। तो अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, कितना समय आपके पास है, कब जाके परीक्षा होनी है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किताबें क्या होनी चाहिए, कहाँ से करें, किसी कोचिंग से हम लोग कोर्स लें या फिर सेल्फ स्टडी करें, तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो यदि चैनल पर नए हों तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुख्य सेविका पद के लिए एक संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण तैयारी और आपके सफलता तक आपको पहुंचाने के लिए टीम प्रतिबद्ध रहेगी और इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी यहां पे मिलती रहेगी। तो एक बार हम लोग देखते हैं 2693 पद मुख्य सेविका के हैं, 2800 ग्रेड पी की नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है केवल महिलाओं के लिए। तो कंपटीशन बहुत कम है, सबसे बड़ी बात है। जब पहली बार पीईटी आया तो बहुत सारे लोगों ने पीईटी भरा ही नहीं, तो जो पीईटी भरे थे और अब मुख्य सेविका के फॉर्म भर दिए हो तो वो लोग 1% भी लापरवाही मत करो, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी मेहनत में ही आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी हाथ में आ जाएगी और आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इसमें सिलेबस जारी कर दिया गया है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि विषयगत इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अब विषयगत प्रश्न क्या है ये आपको मैं बताऊं, मेरा जो पहले आपको मैं आपको पहले वीडियो में आपको बताया था कि हो सकता है सामान्य ज्ञान, हिंदी और एक जो स्पेशल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन की जो एक बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन मेरी थी, एग्जैक्टली 100 क्वेश्चन इस बार भी किया गया है। बस जो मेरे सोचने में और आयोग में थोड़ा सा अंतर है, तो अंतर इतना है कि उसने हिंदी को नहीं रखा है, थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट कंसर्न, इसको मिला के 100 क्वेश्चन बना दिया है। तो बहुत ज़्यादा देरी करते हुए हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं, एग्जाम डेट क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कोचिंग या सेल्फ स्टडी होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो ये है वो अधीनस्थ के द्वारा जो आज प्रकाशित की गई है नोटिफिकेशन, 31 अगस्त की 10 अगस्त को ये बन गया था। मैं आपको पहले ही बताया था कि ये बन के तैयार है, बहुत जल्द आपके लिए आपके सामने आ जाएगा। इसके पूरे पाठ्यक्रम में है क्या, इस चीज़ को देख लो कि 100 क्वेश्चन है टोटल। इन्होंने लिखा है कि विषयगत ज्ञान के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 निगेटिव होगा मैं आपको बता दूँ, और पेपर जो होगा ऑफलाइन मोड में होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जिन्होंने फॉर्म भर दिया एक बार पाठ्यक्रम अच्छे से देख लो, पाठ्यक्रम में है क्या, पूरे पाठ्यक्रम को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब एक तो क्या है, जैसे इन्होंने एलिजिबिलिटी में समाज कार्य या समाज शास्त्र से लिया था, या फिर जो इन्होंने पोषण और इससे कला से हो, कला के साथ पोषण वगैरह जिनका सब्जेक्ट था उनसे लिया था, तो उनके सब्जेक्ट को जो ग्रेजुएशन में आप पढ़ते हो उनके सब्जेक्ट को मिलाया गया है। लेकिन मैं बता दूं बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा, बहुत ऊपर ऊपर वाले टॉपिक लिए गए हैं। जैसे आप देखोगे तो इन्होंने एक ये इंट्रो टॉपिक अलग से ही, ये किसी आप किसी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ोगे, ये एक अलग से टॉपिक है, इसके लिए आपको किसी किताबों में भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको कहीं ऑनलाइन इसका सोर्स मिलेगा। बट हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी जो फैकल्टी है, इवन मैं इस टॉपिक के लिए बहुत अच्छे से आपके लिए मैं निकालने के आऊंगा जो कोर्स आपको, आप तभी से बोल रहे हो सर मुख्य सेविका का कोर्स चलाइए, लेकिन बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक एक बार सिलेबस डिफाइन नहीं हो जाता हम आपसे ऐसे अनावश्यक पैसे नहीं लेंगे। और अब जब सिलेबस हमारे हाथ में है, मैं जानता हूं कि हमारी टीम मेहनत करके इस पूरे पाठ्यक्रम पर बहुत अच्छी तैयारी करा सकती है। तो टीम परीक्षा प्लस ने गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मुख्य सेविका का बहुत अच्छा जो कोर्स है, 4000 का कोर्स है और ये आपको अभी 80% डिस्काउंट के साथ मात्र 799 में मिल जाएगा। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, हालांकि स्वैच्छिक है, मैं आपको सारे तौर तरीके बताऊंगा, कोई अगर सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहा है तो उसके लिए भी मैं आगे चल के बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। तो ये टॉपिक एक अलग से है, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। इसमें पूछेगा क्या कि जैसे जिस पद के लिए आप जा रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं है। अब इसमें पूछेगा क्या, जैसे आंगनवाड़ी कार्यक्रम होता है, आंगनवाड़ी में सेविका होती है, मुख्य सेविका होती है, उनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं, तो इनके विशेष जानकारी कि इनका कार्य क्या होता है, इनको इनके आगे चैलेंजेस क्या होते हैं, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ये सारी चीजों की जानकारी आपसे पूछेगा और अल्टीमेटली इसके 90% क्वेश्चन इनके कार्य से संबंधित होगा। तो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, जिस परीक्षा का आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसके बारे में अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं, जॉब प्रोफाइल के बारे में ये आपसे पूछेगा, जिसकी मैं एक अलग से वीडियो भी बनवा दूंगा मुख्य सेविका की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, वहां से आपके मैक्सिमम चीज कवर हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने समाज कार्य समाज शास्त्र से कुछ टॉपिक उठाया है, जैसे विवाह हो गया, परिवार हो गया,
जाति लिंग हो गया, असमानता हो गया, धर्म हो गया और भाषाएं होंगी। ये कॉमन सी टॉपिक होती हैं। जब आप समाजशास्त्र समाज कार्य पढ़ते हो तो उसमें इंट्रो में ही ये चैप्टर आपको मिलते हैं। उसके बाद सामाजिक समस्याएं क्या, आपके जो सोशल चैलेंजेस होते हैं उनसे क्वेश्चन उठाएगा, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के सबसे संबंधित मुद्दे, जैसे आपका क्या हो गया, नारी सशक्तिकरण हो गया, या जो आपका बाल विवाह से हो गया, या फिर ऐसे छोटे बच्चों को जो जॉब करते हैं उनसे रिलेटेड हो गया, उनके शोषण से रिलेटेड हो गया, तो ये सारी चीज़ों से टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछ बनेगा। जनसंख्या विस्फोट, ये थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की टॉपिक इन्होंने रखा है, आप इसे जीएस से समझ सकते हो या फिर आप समाजशास्त्र समाज कार्य से भी यहाँ पे इसे टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। बट इस पर एक बहुत छोटा मोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछेगा, जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत किसने दिया, इसमें है क्या, बहुत छोटी मोटी क्वेश्चन रहेंगे। जनसंख्या वृद्धि, इसमें अलग अलग जो इनके थ्योरम है, अलग अलग जो लोगों के कहावत है उनके, जैसे मालथस का थ्योरम, इन सबसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और इनका नियंत्रण के लिए क्या इसे होने चाहिए प्रोविडेंस, ये आपसे पूछ सकता है उनके प्रोविजन के बारे में। गरीबी के बारे में पूछेगा, दहेज के बारे में पूछेगा, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतरपीढ़ी संघर्ष और जातिवाद। अब ये क्योंकि आपसे मेंस की कॉपी नहीं लिखवाएगा कि आपको बहुत बड़े से फैक्ट पूछेगा, तो आपको इनके फैक्ट को कलेक्ट करना है कि वो फैक्ट की जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक परिवर्तन, ठीक है ना, और सामाजिक नियंत्रण, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो स्पेशल आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहां से आपको थोड़ा सा साइंस रिलेटेड टॉपिक हो गया है, और साइंस भी क्योंकि इन्होंने पोषण से रिलेटेड चीजें बताई थी पहले से ही, और वहीं से ये क्वेश्चन है, जैसे ऊर्जा और बेसल उपापचय यहाँ से ले लिया है। उसके बाद संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या होता है, फिर भोजन और कैलोरी मान और वजन प्रबंधन, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैलोरी कितना होता है, किसी खाने में कैलोरी क्या मिलता है, और कितना कैलोरी होना चाहिए, एक बच्चे के विकास के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, एक गर्भवती महिला के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछेगा। भोजन के आवश्यक घटक, जैसे कि आप जानते हो कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका फैट हो गया, और आपका फाइबर हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो आपके न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशन चैप्टर से ये सारी चीज़ पूछेगा, उनके स्रोत क्या हैं, कार्य क्या है आवश्यक, और कमी होने वाले रोग, उनके डिफिशेंसी से कौन से डिजीज होते हैं, जैसे आपका क्वासियर कोर प्रोटीन की कमी से पूछ लिया है ना, एनीमिया पूछ लिया, या फिर आपकी किसी और विटामिन के बेरी बेरी रोग किससे होता है, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत है ना, यहाँ पे अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके सामने क्या चैलेंजेस होते हैं, उसके केयर में क्या होना चाहिए, उसे कैसे भोजन लेना चाहिए, उसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो ये फिर आयरन का प्रोटीशन कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके पोषक आहार के टर्म में ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रसव से क्वेश्चन पूछेगा, गर्भधारण के दौरान पुष्ट आहार की आवश्यकता मैंने बता ही दिया, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार कैसे होते हैं, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भ, और ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछेगा गर्भपात से। वृद्धि एवं विकास यहाँ से पूछेगा, शारीरिक विकास, मोटर विकास, फिर भावात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञात्मक विकास, ये देखा जाए तो पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, आप जो सीटेट की तैयारी करने वाले होते हो या अधिकम में भी आप लोग पढ़ते हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उससे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जीवन चक्र के दौरान पोषण है ना, शैशवावस्था हो गया, बचपन हो गया, किशोरावस्था हो गया, भारत में शिशु मृत्यु एवं दर, मृत्यु दर क्या है और उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण है ना, कि खाना पकाने की विधि क्या सही होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं आप कोई खाना उबाल दे रहे हो उसमें किसी विटामिन जो रह रहा है वो नष्ट हो जा रहा है, इन सारी चीजों से, तो वह बेसिक फैक्ट पूछेगा। खाद्य पदार्थों के अंकुरण पूछेगा, किण्वन पूछेगा, फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके पूछेगा, फिर बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक और आपका ये जो है ना, ये दोनों, ये वृद्धि और विकास, ये दोनों चैप्टर आपका कहीं ना कहीं चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा, और इम्यून सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे डिजीज से क्वेश्चन पूछेगा, पूरा बायो का टॉपिक है। परामर्श, इसका अर्थ परामर्श क्या होता है, आवश्यकता क्या होता है, तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल है ना, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, बहुत सारे ऐसे करते हैं कि आप उनसे परामर्श ले सकते हो, तो उन सारी चीजों से ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और ये कहीं ना कहीं ये भी आपका मुख्य सेविका के जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड टॉपिक है।
स्वास्थ्य एजेंसियां WHO से पूछेगा, यूनिसेफ हो गया है ना, उसके बाद UNDP हो गया, रेड क्रॉस क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर इनसे क्वेश्चन पूछेगा, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि। अब इनकी स्थापना कब हुई, इनके कार्य क्या हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनके प्रेसिडेंट कौन है, चेयरमैन कौन है, ये सब फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत डायरेक्टली पूछा जाएगा। उसके बाद सार्वभौमिक टीकाकरण, टीकाकरण के कार्यक्रम जैसे होते हैं, फिर जन्म से पूर्व कौन से होते हैं, जन्म के पश्चात कितने टीके लगते हैं, कौन से टीके का क्या कारण होता है, क्यों लगाया जाता है, नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें आपसे टीकाकरण से पूछा जाएगा। उसके बाद ये सारी उसी की इंग्लिश लिखा हुआ है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अधीनस्थ ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस जारी किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक हिंदी में ही करते थे, तो इंग्लिश वाले भी आप देख लीजिएगा। अल्टीमेटली आपके सामने सिलेबस आ गया, और सिलेबस को अगर कंक्लूड किया जाए, है ना, अगर मैं सिलेबस को कंक्लूड करूं तो आपको देखो कितने पार्ट में दिया है, एक तो आपका GS में दिया है, और GS में भी आप क्या बोल सकते हो, एक तो जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन से, GS का GA बोलो, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा बहुत GS में ही बायोलॉजी ले लो, बायोलॉजी के जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा आपका जो स्पेशल है ना, सब्जेक्ट स्पेशल से क्वेश्चन पूछेगा, तो सब्जेक्ट स्पेशल में भी आपका जैसे सोशल वर्क और इन सब से क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये आपके सब्जेक्ट स्पेशल से क्वेश्चन आ जाएंगे। और यही दो मिला के आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। तो आप चाहो तो इसे आप GA बायोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेशल रख सकते हो, या फिर आप GS एक साथ और सब्जेक्ट स्पेशल बोल सकते हो। अल्टीमेटली सब कुछ ये सब्जेक्ट स्पेशल के अंतर्गत ही रखा है। 100 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और जो निगेटिव होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। तो अभी अब समझ में आता है कि हम तैयारी कहाँ से करें, इसके लिए किताबें क्या होनी चाहिए। तो देखो जैसा सिलेबस दिया है, अगर इसके अकॉर्डिंग आप ढूंढने लग जाओगे कौन सी किताब है, तो ना ही कोई ऐसा पब्लिकेशन है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो इसके लिए किताबें पहले से बना के रखी हैं। देखिए आप लोग पर्याप्त यहाँ पे मैच्योर हो, 21 से 40 वर्ष की उम्र वाले हो, और यही लोग आप फॉर्म भरोगे, मुझे पता है। और आपको ये पता है कि जितने भी पब्लिकेशन होते हैं वो केवल किताबों के कवर बदलते हैं, कुछ यहाँ से कॉपी किए, कुछ यहाँ से कॉपी किए, और उठा के आपके सामने किताब रख दिए। आप उसे खरीद लाते हो क्योंकि उन्हें 5 दिन 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। उन्हें किताब उसी में उनको कंटेंट इकट्ठा करना है, उसी में उसको क्या करना है, टाइप कराना है, उसी में उसको क्या करना है, पब्लिश कराना है, और दुकानों तक ले जाना है ताकि आप उसे खरीद पाओ। 300-400 में आप उसे खरीदोगे, उसके बाद पता चलेगा कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। कायदे से आप, मैं साफ साफ बोलूंगा कि अगर कोई इसका दावा करेगा कि नहीं इसके लिए बहुत स्पेशल किताब है, तो उसके लिए आपको किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा सिलेबस जो है वो पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के कुछ पार्ट को, कुछ फैक्ट पार्ट को, कुछ GS GA के पार्ट को इकट्ठा करके आपका ये पूरा सिलेबस कवर किया गया। तो यहाँ पे आपकी जो तरीका होना चाहिए पढ़ने का, वो आज से ही स्टार्ट करके और हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हुए चलो। तो इसके लिए जो सबसे सही तरीका है वो मैं आपको बता दूँ, पूरा का पूरा जो कोर्स डिजाइन किया जा रहा है ना, जो कोर्स डिजाइन किया जा रहा है परीक्षा प्लस की तरफ से, इसमें आपको चैप्टर वाइज, जितने टॉपिक वाइज है, इसमें आपको क्लास कवर कराया जाएगा, और क्लास इसमें बाकी हम लोग जो बाकी कोर्स कराते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट कराएंगे। इसलिए कराएंगे क्योंकि अभी ये पहली बार सिलेबस है और हमें इस सारे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो इसमें जो हमारे टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उस पर थोड़ा सा रिसर्च करते हुए, एक पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये क्यों पूछा जा रहा है, इसे पूछा कहाँ तक पूछा जाएगा, और उससे उसके बाद इससे रिलेटेड जितने फैक्ट हो सकते हैं, जितने फैक्ट हो सकते हैं, मैं फैक्ट 1 फैक्ट 2 फैक्ट 3 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ फैक्ट आपके ऐसे होंगे जो आपके शायद ग्रेजुएशन वगैरह से उठाए जाएंगे, कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो करंट से रिलेटेड होंगे, जैसे कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जो करंट से रिलेटेड होंगे, कुछ गवर्नमेंट स्कीम हो गई या कुछ योगी जी ने कुछ नया स्कीम लेके आए, जैसे टीकाकरण से ही कोई नया आ गया क्वेश्चन, तो ये करंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपके कवर कराए जाएंगे। कुछ फैक्ट आपके जो सिलेबस से है ना, जो आपके पढ़ के आए हो, जो एकेडमिक से पढ़ के आए हो, एकेडमिक से कुछ फैक्ट यहाँ पे उठाए जाएंगे, और कुछ फैक्ट आपके जो मोस्ट एग्जाम में जो इर्द गिर्द पूछ जा सकता है उसके इर्द गिर्द, या उसे मैं मिसलिनियस टर्म दे दूं, ये तीन फॉर्म में इसे आपको, ये तीन टाइप में चलेगा। और हर टॉपिक का जितने टॉपिक, करीबन 20 टॉपिक आपके दिए हैं, 20 टॉपिक पढ़ाने का आपका तरीका यही होगा। और उसके बाद जितना भी आपका ये होगा इससे रिलेटेड आपका क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड आपको नोट्स प्रिपेयर कराया जाएगा, और ये नोट्स आपको PDF के फॉर्म में साथ में ही दे दिया जाएगा, क्लास के बगल में ही दे दिया जाएगा, ताकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ते चलो और आप PDF पढ़ते चलो। बीच बीच में आपके क्या कराए जाएंगे, उसी के प्रैक्टिस MCQ कराए जाएंगे कि जो आप
टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हुआ क्या, जैसे भी लेखपाल की परीक्षा हुआ उसमें ग्रामीण परिवेश को किसी को अंदाजा नहीं था, और ग्रामीण परिवेश में उन्होंने पूरा क्या किया, सभी लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दिया एमसीक्यू, और उनके क्वेश्चन अच्छे से कराए नहीं और पता भी नहीं था। बाद में हुआ क्या कि पूरा ग्रामीण परिवेश का सिलेबस ही अधीनस्थ ने पता नहीं कैसे बना दिया, पूरा का पूरा स्कीम से क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये पूरा ही कोर्स जो है वो किस पे सेंटर्ड रहेगा, सेंटर्ड आपका ये रहेगा गवर्नमेंट स्कीम पे। अभी सुन लो, गवर्नमेंट स्कीम है ना, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, इसके केंद्र, इसे केंद्र मानते हुए पूरा का पूरा पेपर बनाया जाएगा, और उसके बाद फिर कुछ कन्वेंशनल टॉपिक उठाया जाएगा। अब कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन कहां से उठेंगे वो भी मैं आपको टॉपिक बता दूं, जैसे पोषण हो गया, जैसे रोग हो गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनसे तो कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन मुख्य सेविका के कार्य क्या है, बाल पुष्टा आर का वो क्या है, कोई गवर्नमेंट स्कीम क्या है, इसमें कितना गवर्नमेंट दे रही है, क्या इससे लाभ है, ये सारी चीजें आपके गवर्नमेंट स्कीम से कवर होंगी। तो आपको करंट का भी, करंट पूछ तो नहीं रहा है लेकिन करंट की गवर्नमेंट स्कीम जो है आपका, खासकर किसमें, हेल्थ से रिलेटेड है ना, चाइल्ड हेल्थ और इसमें वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी स्कीम है वो आपको कवर कराया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया जा रहा है परीक्षा प्लस की तरफ से। आप अभी गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप पे जाओ, अगर आप ऐप इंस्टॉल किए हो तो आप ऐप ओपन करो, वहां पे कोर्स लगा दिया गया है, इसमें आपका कराने का तरीका यही होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये 4000 का पूरा कोर्स है, लेकिन शुरुआती दौर में आप सभी के लिए, क्योंकि आप हमारे ऐसे छात्र हो जो एक महीने से इंतजार कर रहे हो, रोज कॉल कर रहे हो, हजारों की संख्या में कॉल आती है कि सर इसका कब से क्लास स्टार्ट होगी, तो अब से क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, और ये क्लास जो है ये 799 रुपए में ही उपलब्ध कराया जा रहा है। तो 799 आपको क्लास मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दे दी जाएगी ताकि आप उसे कितनी बार भी देख पाओ, कभी भी देख पाओ, डाउनलोड करने का भी फीचर दिया जाएगा, साथ में ही आपको उसके नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ दिए जाएंगे, और आपके बीच बीच में एमसीक्यूज कराए जाएंगे। तो इतना कुछ कराया जाएगा, और समय हमें मिला तो लास्ट में हम आपके कुछ प्रैक्टिस पेपर भी करवाएंगे 100 क्वेश्चन के। तो ये आपका रहेगा, आप अभी ही परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, परीक्षा प्लस जो ऐप है इसे आप डाउनलोड कर लो, और यहाँ पे जाएंगे आप तो सबसे ऊपर ही आपको कोर्सेस में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, कोर्सेस में, होम पे कोर्सेस में जाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहीं पे आपको मुख्य सेविका का बैच मिल जाएगा, उसमें आपको 799 पे करना है और आपको वहां पे जुड़ जाना है। आपकी क्लासेस कल से ही प्रारंभ कर दी जाएंगी, क्योंकि अब लेट नहीं किया जाएगा, ऑलरेडी एक महीना हम लोग लेट है, ठीक है। तो उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी पूरी संपूर्ण स्ट्रेटजी, क्या कैसे तैयारी होनी चाहिए, हमें किस समय में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए एक एक करके एक एक वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सेशन को अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, या अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ वाले जो होंगे, आपके घर में कोई महिलाएं होंगी, भाभी होंगी, दीदी होंगी, वो तैयारी कर रही होंगी, तो उन्हें ये शेयर कर दीजिएगा कि यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।